हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, कब हम THE को द प्रोनंशिएट करते हैं और कब दी प्रोनंशिएट करते हैं, कहाँ द का यूज़ करते हैं और कहाँ द का यूज़ नहीं करना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट का हिंदी मीनिंग होता है निश्चित, इनडेफिनेट का हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित। इनको डिटेल में समझने से पहले हम वोवल एंड कॉन्सोनेंट समझ लेते हैं। देर आर फाइव वोवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में फाइव वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आर्टिकल्स समझने के लिए आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हिंदी में हमारे स्वर होते हैं ए आ ई ई, और जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यंजन भी दिए हुए हैं, आप इनकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है ये भी हम अभी पढ़ेंगे। पहले है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। इसकी साउंड द और दी कब होती है ये हम समझते हैं अभी। अगर वोवल है यानी कि द के बाद वोवल साउंड वाला कोई वर्ड है तो हम दी यूज़ करेंगे। दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट, ओके। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है यानी कि द के बाद कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है तो इसकी प्रोनंसिएशन द होगी। द काउ, द बुक, द पपेट। अगर यहाँ पर हम दी बोलते हैं तो ये गलत हो जाता है, ओके। लेकिन देखो इंग्लिश एक क्रेजी लैंग्वेज है, इसमें एक्सेप्शंस हर जगह हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन जब हम उनको बोलते हैं तो उनकी साउंड वोवल की आती है, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शुरू तो वोवल से होते हैं लेकिन जब हम उन्हें प्रोनंशिएट करते हैं तो उनकी साउंड कॉन्सोनेंट से आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि वर्ड की प्रोनंसिएशन क्या है। ऐसे ही कुछ वर्ड हैं यूनिवर्सिटी, यूरिका, यूटेंसिल। ऐसा नहीं है कि यही वर्ड है, और भी बहुत सारे वर्ड है, ये तो मैंने कुछ बस एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है यू, ये वोवल है लेकिन जो इसकी साउंड अगर हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी यानी कि हिंदी के व्यंजन य के अनुसार है, ठीक है। यूरिका, यूटेंसिल, तो इनके साथ जब हमारा द आता है तो इसकी साउंड द रहेगी ना कि दी, ठीक है। द यूनिवर्सिटी, द यूरिका, द यूटेंसिल, ओके। अब मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिए हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं लेकिन जो उनकी साउंड है वो वोवल है, ओके। ओनेस्ट, यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा वर्ड लेकिन इसकी साउंड है ओ, ओनेस्ट, ओनर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे दी ओनर, दी ओनेस्ट, ओके। इनके नाम से पहले द जरूर लगाएं। पहला है नदियों, नहरों, सागर और महासागर के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, द डेड सी, द कैस्पियन सी, द कील कैनल, द आगरा कैनल, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। पहाड़ों की श्रृंखला के नाम से पहले ध्यान रखना, अकेले पहाड़ के नाम के साथ हम द नहीं लगाएंगे। अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो ही हम द लगाएंगे, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द हिमालयास, द अरावली हिल्स। धर्म ग्रंथों के नाम से पहले द गीता, द कुरान, द बाइबिल। सात अजूबों के नाम से पहले द ताजमहल, द माचू पिच्चू। उन देशों के नाम से पहले जिनके नाम में किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक आता है। किनके नाम के साथ? जिनके नाम में किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक आता है।
द यूनाइटेड स्टेट्स, द किंगडम ऑफ नेपाल, उन देशों के नाम के साथ जिनके नाम प्लूरल नाउंस में होते हैं, द मालदीव्स, द कुक आइलैंड्स। इनके अलावा जो कंट्रीज़ है उनके नाम के साथ द नहीं आता, और जो स्टेट्स, सिटीज़, प्लेसेस, आइलैंड्स होते हैं उनके नाम के साथ द नहीं आता। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द बेस्ट, द टोलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, ओके। अखबारों के नाम से पहले, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण। होटल, पब्स और रेस्टोरेंट के लिए द राव, द किंग्स हेड। परिवारों के नाम से पहले द यादव्स, द सिसोटियास। एडजेक्टिव के साथ जैसे रिच, पुअर, यंगर एंड अनएम्प्लॉयड एटसेट्रा। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी बताता है, यानी कि रिच है, पुअर है, ओके। और यहाँ हम द उन एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे जहाँ ग्रुप में बात की जाए। शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प द पुअर। वह समूह में काम करती है गरीबों की मदद के लिए। यहाँ पे पुअर बहुत सारे लोग हैं, ओके। दिशाओं के नाम से के साथ द ईस्ट, द वेस्ट। जो दुनिया में एक हो, यूनिक हो, द सन, द मून, द अर्थ, ये चीज़ें दुनिया में एक ही है। द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिनकी जानकारी पहले से हो, ठीक है। और ए और एन का प्रयोग ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। अब एग्जाम्पल के से हम इसे समझ लेते हैं। Is that the woman you were telling me about? क्या वो वही औरत है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? यानी कि उस औरत के बारे में पहले से ही जानकारी है, इसलिए हमने वहाँ पर the यूज़ किया। Do you remember the hotel we stayed when went to Delhi? क्या तुम्हें वो होटल याद है जिसमें हम दिल्ली गए तब ठहरे थे? यानी कि इस होटल के बारे में हमें पहले से ही जानकारी है। Did you watch the match? क्या तुमने मैच देखा? अब यहाँ पर जिस मैच के बारे में बात की जा रही है उस मैच की जानकारी पहले से ही अगले बंदे को है, यानी कि वो जानता है कि किस मैच के बारे में बात की जा रही है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही नाउन का बार बार जिक्र किया जाता है, तो जब पहली बार उस नाउन से पहले हम ए लगाते हैं और उसके बाद वो नाउन चाहे कितनी भी बार आए, उसके बाद हम द यूज़ करेंगे, ओके। क्या समझा हमने? अगर किसी सेंटेंस में हम एक ही नाउन का बार बार जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले उसके साथ हम ए लगाते हैं, उसके बाद चाहे हम कितनी ही बार उस नाउन को यूज़ करें, हम द यूज़ करेंगे, ओके। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। आई वॉच्ड अ वीडियो यस्टरडे, द वीडियो वॉज वेरी गुड। मैंने कल एक वीडियो देखी, वीडियो बहुत अच्छी थी। आई परचेज्ड अ बैग फ्रॉम सदर मार्केट, द बैग इज वेरी नाइस। मैंने सदर बाजार से एक बैग खरीदा, बैग बहुत अच्छा है। यानी कि यहाँ पर हमने पहले नाउन के साथ, यानी कि बैग, और वीडियो के साथ ए यूज़ किया, उसके बाद हमने द यूज़ किया, ओके। How do you know if a noun needs the? आपको कैसे पता चलेगा कि noun में the की need है? अगर noun countable है, singular है, तो वहाँ पर हमें determiner चाहिए। Determiner जरूरी नहीं है कि आपका the ही हो, these, this, that, those, और कोई भी हो सकता है, ओके? अब इसे example से समझ लेते हैं। The manager told us more about the plan for the New Year's party. यहाँ पे जो आपका manager है वो क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है। प्लान है वो क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है। न्यू ईयर्स पार्टी, अब ऑब्वियसली एक साल में कितनी पार्टी होगी? एक या दो ही न्यू ईयर पे, ओके। तो यहाँ भी हमने इसीलिए द का यूज़ किया। अब ये सीख लेते हैं कि द का यूज़ कहाँ नहीं करना। किसी के नाम से पहले द बिल्कुल यूज़ नहीं करते। आई मेट द सुषमा बिल्कुल गलत है, आई मेट सुषमा ये बिल्कुल सही है। दी एडवोकेट ये सही है, लेकिन अगर आप कहते हो दी एडवोकेट निशा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ आप किसी का नाम ले रहे हैं।
टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल, जब जनरली किसी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, यानी कि जो सामान्य चीज़ें सर्वमान्य सभी या अधिकतर लोगों, स्थानों, वस्तुओं आदि से संबंधित। पंजाबी फूड इज़ बहुत स्पाइसी एंड टेस्टी, पंजाबी फूड दोनों हैं स्पाइसी भी और टेस्टी भी। आप सभी तरह के पंजाबी फूडों फूड की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक एक डिश के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कंपनी और किसी इंस्टीट्यूट के नाम से पहले द यूज़ नहीं होगा, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कुछ स्कूल्स और कंपनीज अपने नाम से पहले द का यूज़ करती है। इंग्लिश में एक्सेप्शन हमेशा होती है और इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप किसी भी टॉपिक को गहराई से सीखते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई हो। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिट कर दीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, बाय।